वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं जो ये मसूआ साहब की टीम थोनू कैंसर के प्रति जागरूक करने पहुंची है, जिन्हां दे नाल प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी, नाल प्रोफेसर भुपिंदर कौर और नाल ही जो हिमाचल तो मैडम प्रियंका जी पहुंचे ने, ये भी अपने फील्ड के बहुत माहर हैं। जिथे मैं सरपंच परमजीत कौर उन्होंने पति जो सरपंच ही कह दें असी, बहुत वधिया सियाने सुलझे हुए मुलखा सिंह जी, और इस पिंड दे विच जो पहल दे आधार ते अज जागरूक लई नगर निवासियों के पहुंचे ने, जिन्हां दे सरका सुखपाल सिंह जी जो थोड़े ही नगर के मसूआ साहब के कॉलेज के इंप्लाई ने, और ये प्रोग्राम के लिए असी इस पिंड नूं जो पहल के आधार पर सिलैक्ट किया, क्योंकि आप सारे ही जानते हैं कि सारा पंजाब ही बीमार है, पर उहदे तों सब तो ज़्यादा संगरूर नूं ज़्यादा जिहड़े केस पाए गए ने कैंसर के, क्योंकि मैं दावे नाल कह सकदा मेरी एक बारी कुलवंत सिंह धालीवाल जो कैंसर केयर अंबैसडर ग्लोबल आल वर्ल्ड दे कनेडा अमेरिका इंग्लैंड सारे ही देशों दे विच वो कैंसर केयर दियां जो टीमां ने डॉक्टर ने और उन्होंने लैब्स बसां दे विच फिट किए हुए ने, शायद थोड़े विचों मसूआ साहब जाके वो कैंप दे विच गए भी होण, बहुत ज़्यादा असीं सारे ही पिंडां दे विच अनाउंसमेंट भी की दस्या बसां भेजियां, उहदा मैं जिक्र तां कर रहा क्योंकि उस कैंप दे विच असीं पहला तो यह समझते सी भी शायद एक चैकअप वैसे ही है भी यदा शायद कोई बड़ा वधिया रिजल्ट नहीं होना, पर जदों असी उस कैंप दे विच वख वख पिंडां तों बहुत वड्डी तादाद दे विच चैकअप वास्ते, सिर्फ दवाई कोई नहीं इलाज कोई नहीं, चैकअप वास्ते आए, उन्होंने चैक किया जिदे विचों 8 तों 9 केस कैंसर दे पाए। पता किवें लग्या? उन्होंने टैस्ट सारे दे कीते, जिन्हां दे टैस्टां दे बाद उन्होंने लग्या भी ये सिम्टम पाए गए ने, उन्होंने घर मैसेज स्नेह भेजे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि तुसीं अगे जा के अपने इलाज वास्ते जां दिखाओ किसी हस्पताल जिते भी जाना है। मैं जिते हस्पताल की गल करते हाँ, साडा पंजाब एक सोने की चिड़ी कहाउण वाला पंजाब, पर बीमारिया ने दबदिया कई अलामतां पै गईआं, जिथे असी हर एक खाण वाली चीज़ नूं भी जहरीली बनाता, ये बीमारियों का कारण बन गया। कल्ला कैंसर ही नहीं, बहुत बीमारियां जो सानू नहीं पता जां हजे वह पिंडां दे विच उठ रही ने, बहुते हस्पतालां दे विच भी नवीं बीमारियां ने, जिन्हां दे वास्ते आपां पिछला एक दौर जो करोना दे विच कढ़िया वह भी एक नवीं बीमारी कह लईए लागदी है, उस दे विच भी सानू बहुत संताप भुगतना पिया। असी अपने फाइनैंशली तौर पर बहुत थले गए, सानू कोई काम नहीं मिलिया, दिहाड़ीदार दिहाड़ी नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा उस चीज़ तो असी घाटा खाधा है। चलो खैर, आप जिंदगी दे विच कमाई करते हैं, सारी उम्र ही कमाना है, पर बीमारी तो निजात पाने लई आपां नूं ये जरूरी है आपां उस तरह की आपां संभाल करिए, और जिथे भी कितने इस तरह की बीमारी को पता लगता है तो वह इलाज करिए। हाँ, मैं दसदा भी उस कैंप के जो 8-9 केस पाए गए उन्होंने मातावान ज नौजवान लड़के लड़किया भी सी बजुर्ग, और उन्होंने असी एक नहीं बचा सके, वो ढट्टिया की माई सी जिदा कैंसर लास्ट स्टेज पहुँच गया सी, और इलाज भी नहीं हो सकया। तो ये ऐसा भी जे लास्ट स्टेज पर पहुँच जाता है तो मरीज भी जाता है तो नाल घर भी लग जाता है, आप मरीज लई बहुत संभाल करते हैं, कोशिश करते हैं भी किन्ना ही पैसा लग जाए किन्ना ही घर लग जाए, जमीन भी बेच दें भी आप इन बचा है, पर बीमारी इन्नी उत्तों नहीं पै जाती है कि हस्पताल वाले अखीरी जवाब नहीं देंगे, असी उतों निहात होकर ही मरीज को
बस एक तरह का उसकी लोथ ही लेके आए हैं। असी कोशिश करते हैं जो बाकी साढ़े को मरीज अज सही सलामत ने जिन्हों के आप मेरे पिंड चंगाल के शायद सरपंच मुलखा सिंह जानते उन्होंने बलवंत सिंह सरपंच ने उन्होंने धर्म पत्नी जी कि लास्ट के क्योंकि साढ़े कोंसल मैंबर भी ने मेरे को बैठा तो आए आके वैसे मजाक के कह लगे सानू थोड़ा की फायदा जे तुसी इन्ने कट के मेरे घर वाले तो चैक कराया नहीं। मैं कहा चुका बाद दोपहर रश घट जूगा उदो तुसी ले आए, वो बाद दोपहर लेके आए चैकअप कराया। चलो उदो तो नहीं पता लगा, पंद्रह दिन बाद जो रिपोर्ट आई तो वो सिम्पटम जो कैंसर के पाए गए थे छाती का कैंसर सीगा। चैकअप तो बाद उन्होंने होमी भावा के इलाज कराया जिहड़ा कि फस्ट एड दा सी। अज वो सही सलामत अपने कमां कारां दे विच बहुत बिरध होने के नाते भी अपने घर के बैठे ने। सो ऐसे भी सानू सत्त अठ मरीज जिहड़े उन्हां दी रिपोर्ट लैंदे रहिंदे आ ठीक ने, क्योंकि वो ठीक तां ने वो फस्ट एड ते उन्हां दा कैंसर फड़िया गया। जे कि लास्ट एड ते पहुँच जाते शायद वह भी अज रब नूं प्यारे हो जाते। असी चाहुंदे आ वी आपां इस गल तो जाणू हो जाए ये पता नहीं किहदे विच कोई लक्षण पाए जा आप उस तो पहले ही इस दे लई आप टैस्ट कराइए ता कि अगे तो कोई ऐसी निजात ना आ जाए। आप अपने कमां कारां दे विच अपने परिवारां दे विच जो सुखी शांति बहिंदे हो जाइए, क्योंकि जो पढ़ाइयां चलदियां ने कम चलते ने नाल नाल आप पिंडां वाले आ बहुत तरह के कम कार भावें खेती नाल जुड़े हाँ कोई लेबर नाल कोई किसी तरह का आप अपना गुजारे तक का कम कर रहे हैं, क्योंकि इन्नी अपने को पहुँच नहीं होंगी। भावें पंजाब दे विच अपने संगरूर दे विच एक सब तो वधिया हस्पताल होमी भावा जो खोलिया गया ये इस करके खोलिया गया भी इत्थे ज़्यादा बीमारी के जो लक्षण पाए जाते हैं इत्थे दे मरीज ने उन्होंने लिए कैंसर का हस्पताल खोलिया गया। पर मैं गिला भी साड़ियां सरकारां ते करदा हां क्योंकि हुण तक सानू सोने की चिड़ी कहण वाले पंजाब दे विच कोई ऐसा वड्डा हस्पताल नहीं आया। सानू मरीज लैके बीकानेर जाना पैंदा सी, राजस्थान जिहड़ी वो स्टेट है जिथों दे लेबर करन लई पंजाब दे विच भावें जी वी लाउण आउंदे सी नरमे कपाह चो बणाउंदे सी लेबर करदे सी, पर उस स्टेट दे विच इक बहुत वड्डा हस्पताल जो बठिंडे तो सीधी ट्रेन बीकानेर नूं वो कैंसर के मरीज लैके ही जाती है। कुलवंत सिंह धालीवाल जो बहुत ही बड़े अंबैसडर ग्लोबल ने उन्हों का भी एक सुपना वो बोल के गए मसुआ साहब कहते मैं जिंदगी दे विच मतलब ये सोचा तो उन्होंने सवाल किया गया भी तुसी ये पर्न लैके चले हो ये किस परपज तुम थोड़े मन दे विच किदां आया कि कैंसर केयर दे विच आपां पहला एडवांस चैकअप किया जाए। फिर उन्होंने क्लियर किया भी दोस्तों मेरी माँ मर गई सी कैंसर के नाल, जदों कि मैं सारे हस्पतालों के चक्की फिरदा रहा बीकानेर लै गया उतों भी जवाब दिता सी। तो मैं सोचा भी मैं भावें इंग्लैंड रहा मेरे बच्चे सैट ने भी मैं कोशिश करा भी ये पंजाब के आप चैकअप वास्ते जो बसा ने बिची लैबोरटरी है बिची उन्होंने डॉक्टर ने वो चैकअप करते हैं तो उन्होंने बहुत वधिया रिजल्ट निकल आए हैं जो कि अपनी वधिया जिंदगी बसर कर रहे हैं। फस्ट स्टेज या सैकेंड स्टेज के कैंसर फड़िया जाता है तो वह इलाज भी है। इस करके अज बेनती करने थोड़े पिंड पहल के आधार पर जो सरपंच साहब ने गल की इन्होंने बड़ा वधिया मैं भी सानू तुसी साडा पिंड सिलेक्ट किया चलो नेड़े होने करके जो आप पहली शुरुआत है ये बच्चे चैकअप वास्ते जाएंगे अपन जिन्हों भी किसी को कोई किस तरह की समस्या लगती है वो नेड़े के हस्पताल जाके आप चैकअप करा सकते हो। जिदे कोआर्डीनेटर मैडम भुपिंदर कौर जी जो प्रोफेसर काली दी कॉलेज मसुआ साहब के होर बाकी की जानकारी ये अपन देंगे। सो मैं बेनती करता मैडम भुपिंदर कौर।